हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। हाँ बेटा, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज कर रहे थे, जिसमें से साइज किया था एंड आईपी वैल्यू किया था। आई थिंक लास्ट क्लास में हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी किया था। एम आई करेक्ट? यस सर। आईपी वैल्यू से किया था ना बेटा। यस सर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा बेटा, क्योंकि हमारे चार हैं सिलेबस में प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है आपका एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से देखना इसको, प्रॉब्लम आती है बच्चों को इसमें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्चुअली दो नाम यूज करते हैं इसके लिए हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी एनर्जी ही होता है, एनर्जी आगे चल के हम एनर्जी को एंथैल्पी भी बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ई ए से भी लिख सकते हैं बेटा। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंबल ऐसे डेल्टा करके, ई जी करके एच भी लिख देते हैं, एंथैल्पी को एच से लिखते हैं, सिंबल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पहला पॉइंट आता है बेटा, डेफिनेशन क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। देखो, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, एफिनिटी का मतलब होता है ऐड होना, मतलब किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड होने से, प्रोसेस से रिलेटेड ये डेफिनेशन है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन अगर हम करें तो हम कहेंगे इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो मोस्टली रिलीज ही होती है इसलिए रिलीज लिख रहा हूं मैं, मोस्टली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज मोस्टली और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एब्जॉर्ब रेयरली होता है, इसलिए ज्यादातर हम इसमें एनर्जी रिलीज वाला पॉइंट ही लेके चलते हैं। तो वो बताऊंगा किस में रिलीज होती है और किस में एब्जॉर्ब होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन, वही पॉइंट, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला, न्यूट्रल, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज मोस्टली और एब्जॉर्ब रेयरली ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
हाँ बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, मोस्टली रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड रेयरली कुछ केसेस में ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होने का प्रोसेस है। अगर मैं हिंट दूं आपको तो देखो बेटा, हिंट अगर दूं तो ये कैसा प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है, ई इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी मतलब एडिंग, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को सिंपली किस प्रोसेस से समझ सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन एडिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन एडिंग। अब बेटा इलेक्ट्रॉन एडिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर आप देखो इसमें मैंने क्या लिखा है आपको, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन एडिंग में मोस्टली ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एडिंग जो प्रोसेस है मोस्टली आपके क्या रहा है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, एनर्जी। तो मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखोगे प्रोसेस जो होगा एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको आप बात कर दो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैं क्योंकि न्यूट्रल बोल रहा हूं, मैं आपको न्यूट्रल के अंदर आइसोलेटेड गैसियम के अंदर अपने बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इलेक्ट्रॉन एडिंग प्रोसेस है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिंग प्रोसेस है जो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो प्रोसेस है वो आपका एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है बेटा, इसको बोलेंगे एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस मोस्ट ऑफ केसेस में, हर किसी में नहीं, मोस्ट ऑफ केसेस में आप इसको एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस बोल रहे हो। तो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस जब हम बोल रहे हैं इसको, जब एनर्जी रिलीज होती है तो इसको एनर्जी एग्जिट हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये प्रोसेस है हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस मोस्टली, और रेयरली मैंने आपको बोला है बेटा कि ये रेयरली प्रोसेस कैसा होता है, एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है, जहां एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम बोलते हैं, टेंथ क्लास में आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हुआ करती थी उसमें ये पढ़ते थे आप, तो जहां एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होती है उसको बता सकते हो बेटा क्या बोलते हैं हम, कौन सा प्रोसेस होता है वो, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक। लेकिन देखना कि ये रेयरली लिखा है मैंने, और ये इलेक्ट्रॉन जो कर रहे हैं हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जितना इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड होता जाएगा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होती जाएगी। जैसे एग्जांपल मोस्ट ऑफ केसेस में क्या है कि जैसे ही इन मोस्ट ऑफ केसेस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ केसेस मतलब जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, तो मोस्ट ऑफ केसेस जो आपके आ रहे हैं हैलोजन ऑक्सीजन एटसेट्रा, तो उसमें जैसे मैंने लिया क्लोरीन, बेस्ट एग्जाम्पल है क्लोरीन, क्लोरीन में क्लोरीन सपोज न्यूट्रल गैसियस ले लिया मैंने, क्लोरीन में न्यूट्रल गैसियस एटम है क्लोरीन, और इस न्यूट्रल गैसियस एटम में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, ये मेरे पास है न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम में बेटा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं मैं, तो ऐड होते ही ये सीएल नेगेटिव बन जाएगा गैसियस, और जैसे ही ये सीएल नेगेटिव गैसियस बनेगा यहां एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी आ जाएगी साथ में, ई मतलब एनर्जी, प्लस मतलब ये इसके साथ निकल रही है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जो एनर्जी रिलीज है ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, क्लोरीन के केस में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि पूरी केमिस्ट्री में क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो Cl बड़ा इजीली नेगेटिव बन जाएगा, उसमें बहुत सारा अमाउंट एनर्जी का निकलेगा, तो Cl नेगेटिव बनेगा आपका, तो इसलिए हम बोलते हैं जिसमें जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी हाई है, इलेक्ट्रॉन ऐड होना उतनी जल्द इजिली जो है ऐड होना चाहता है, यही रीजन है कि आपसे पास ये क्वेश्चन आएगा कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो क्या आंसर दोगे बेटा, क्योंकि ये फिर डेटाबेस है, यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं चलेंगे अभी, ये डेटाबेस है, अभी करते जाना, तो इसमें याद करते रहना जो चीज बताता जाऊं, और काफी ये डिफिकल्ट भी है, तो इसलिए ध्यान रखना, अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछूं हाईएस्ट क्या चीज पूछूं मैं आपसे,
हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटम या एलिमेंट, या एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या आंसर दोगे बेटा? याद करते जाओ बस, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना मैं कभी किसी साल किसी बच्चे को बोला इस पॉइंट पे दिमाग लगाना है, जो बता रहा हूं वो याद करते जाओ। हाईएस्ट एलिमेंट्स आ जाए, एलिमेंट्स ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या याद करना है, कौन से वाला आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन याद रखना बेटा, क्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला आ जाए तो क्लोरीन। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, यहां पर कुछ समझ आया कि क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो सीएल नेगेटिव बन जाएगा, एनायन बनेगा, वो काफी स्टेबल एनायन बनेगा, इसलिए बहुत सारा अमाउंट एनर्जी का रिलीज होगा, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा इसमें, हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन आ जाएगा। फिर मैंने एक चीज और बताई थी बेटा कि कुछ केसेस में एनर्जी, मोस्ट ऑफ केसेस में तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन मैंने क्या बोला था, इन सम केसेस, सम ऑफ केसेस, जैसे एज एग्जांपल हैलोजन, ये हैलोजन ऊपर आ गया, नोबल गैसेस मतलब जो आयन नहीं बनाना चाहते हैं, आयन नोबल गैसेस, नाइट्रोजन, बेरिलियम, नोबल गैसेस जितनी भी हैं, नाइट्रोजन और बेरिलियम, ये जो होंगी ये आपकी ऊपर वाली जो मोस्ट ऑफ केसेस हैं वो मोस्ट ऑफ केसेस एक्सोथर्मिक होंगे, ये देखो एनर्जी रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक, लेकिन सम केसेस जैसे नोबल केसेस में नाइट्रोजन बेरिलियम, इन सम केसेस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ऐड होना ही नहीं चाहिएगा, आपको हाई एनर्जी वाला दे करके, उल्टा एनर्जी दे करके आपको अनस्टेबल चीज बनानी होगी, जैसे देखो नोबल गैस नाइट्रोजन बेरिलियम, तो इसमें देखो आप, जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं नियोन का, नियोन ये गैस है एक, नियोन का मैंने न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया तो बहुत सारी उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, प्लस हीट, रिएक्टेंट साइड हीट कर रहा हूं, देखो हीट में दे रहा हूं, अब हीट देनी पड़ेगी और ये Ne नेगेटिव बनेगा, अनस्टेबल होता है काफी, हाई एनर्जी वाली स्पीसीज बनेगी, अनस्टेबल स्पीसीज, उल्टा एनर्जी दी है, स्पीसीज ऑफ हाई एनर्जी। तो जो नोबल गैसेस होती हैं, जो जैसे नियोन है, नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो बोल सकते हो, या कह सकते हो कि उल्टा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, इसमें हीट देनी पड़ रही है, इसमें सपोज ई है तो हीट देनी पड़ रही है, तो यहां जो हीट दी गई नियोन को, जैसे पिछली बार मैंने बात की क्लोरीन की, मैं जो आपको याद कराना है इसलिए वही एग्जांपल उठा रहा हूं, अब मैंने नियोन का एग्जांपल उठाया, तो नियोन में हीट आपको देना पड़ा, नियोन में हीट देना पड़ा, और ये देने वाला हीट है वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब की बार रिलीज नहीं हुई बेटा, क्या हुई है, एब्जॉर्ब, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, पिछले केस में देखो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जब एनर्जी रिलीज्ड होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, मतलब कम है उसमें, मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होने का प्रोसेस है वो हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इसका मतलब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बोलूंगा इसमें, कम होगी। तो नोट, अगर एग्जाम में आ जाए कि एलिमेंट्स ऑफ, पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट बताना है, एलिमेंट ऑफ लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एलिमेंट ऑफ लोवेस्ट, क्योंकि उल्टा सा चल रहा है मैथमेटिक्स में, निकलने वाली और देने वाली एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर मैं बोल दूं कि लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्या एग्जांपल दोगे बेटा, कौन सा एलिमेंट दोगे, क्योंकि वही एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूं, तो नियोन देना है, हीलियम नहीं देना, नियोन देना है, वहां फ्लोरीन नहीं देना, क्लोरीन देना है आपने, एलिमेंट ऑफ लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आएगा वो आपका नियोन आएगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती जाएगी सिस्टम से, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने की पावर बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो इसको अगर प्लस या माइनस साइन से देखोगे तो कैसा देखोगे बेटा, प्लस या माइनस साइन से देखोगे, जो एनर्जी रिलीज होने वाली है वो तो माइनस वाली होती है ना, इस इक्वेशन को जब भी आपको प्लस माइनस देखना होता है
तो प्लस माइनस देखना होता है तो आप रिएक्टेंट साइड लाके देखते हो, तो इसी चीज को आप क्या करोगे, ऐसे भी तो लिख सकते थे, और सी एल गैस प्लस वन इलेक्ट्रॉन, वो वाली एनर्जी इधर आती तो कौन सा साइन आ जाता बेटा, माइनस आई और सी एल नेगेटिव, इक्वेशन लिख सकता हूं नहीं लिख सकता ऐसे ऊपर वाली, तो इसका मतलब माइनस का मतलब है सी एल से सी एल नेगेटिव बनाने में माइनस का मतलब है एनर्जी निकल रही है, तो जितना माइनस में एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, जितना प्लस में होगी तो उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होगी, उल्टा चलना है, बस ये बात ध्यान में रख लेना। आप चाहे इसको एक नोट की फॉर्म में लिख भी लो या नॉलेज क्लाउड की फॉर्म में लिख दो, मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये वैल्यू ऑफ एनर्जी कह सकते हो, अगर आपकी मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है या ज्यादा है बेटा, मोर नेगेटिव का मतलब है एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रही है एनायन बनाने में, तो क्या बोलोगे इसमें, सो हाई होगी, हाई होगी, मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई द हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर मोर पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, मोर पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर वैल्यू गिवन है आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब देनी पड़ रही है, देने का मतलब है एनायन नहीं बन रहा, तो आप बोलोगे लोअर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोरीन और नियोन में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी आएगी और नेगेटिव किसकी आएगी, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हरा क्लोरीन की मोस्ट की नेगेटिव है क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो वो नेगेटिव है। क्लियर है बेटा ये पॉइंट यहां तक, कोई डाउट किसी को, इलेक्ट्रॉन ऐड करने का प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उस प्रोसेस में मोस्ट ऑफ केसेस में हम देखते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा बताएंगे, लेकिन जो नोबल गैसेस हैं या नाइट्रोजन है या बेरिलियम है इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उल्टा एनर्जी देनी पड़ती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इनके साथ ऐड नहीं होना चाहता, इसलिए हम कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। क्लियर, और पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट पूछेगा तो क्लोरीन और सेकेंड ये लोएस्ट पूछेगा तो आंसर न्यून। अब ये तो होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना, और किसी भी नेगेटिव स्पीसीज में अलग अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अब जरा सोचो अगर कोई आपकी नेगेटिव स्पीसीज है और एक पॉजिटिव स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन ऐड किस में इजिली होगा, पॉजिटिव स्पीसीज में या नेगेटिव स्पीसीज में, कोई सी भी स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन ऐड किस में होगा, पॉजिटिव स्पीसीज में। सपोज मेरे पास ये कोई एक नॉलेज क्लाउड में और लिख रहा हूं, सपोज मेरे पास ये एक स्पीसीज है पॉजिटिव और एक स्पीसीज है मेरे पास नेगेटिव, मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन ऐड इसमें करना है या इसमें करना है, तो इजीली एडिशन किस में होगा, पॉजिटिव वाले में या नेगेटिव वाले में, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव बेटा, नेगेटिव को नेगेटिव तो रिपल्सन होता है, नेगेटिव में नेगेटिव कहां से इजीली ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव जो स्पीसीज होगी पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड बड़ी इजीली होगा, तो अगर पॉजिटिव स्पीसीज है तो इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे आप, बड़ा मैथमेटिकल पॉइंट है ना, इसलिए मैं एनसीईआरटी ने तो दो लाइन लिख के और पीछा ही छुड़ा दिया और सारे कंपटीशन वाले क्वेश्चन यहीं आते रहते हैं, तो बच्चा घूमता रहता है, चीज मैथमेटिक्स वाली क्लियर ही नहीं होती और कॉन्सेप्ट भी आता रहता है साथ में। भाई पॉजिटिव कैटायन है, कैटायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, न्यूट्रल में तो पढ़ लिया ऊपर आपने, अब कैटायन में बात कर रहे हो आप, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हमेशा इजीली होगा, नेगेटिव स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल्सन होता है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा इसमें, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कभी भी आप देखोगे न्यूट्रल के कंपेरिजन में पॉजिटिव स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा, नेगेटिव स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होना इजीली है उसी की तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है, तो एम पॉजिटिव और एम नेगेटिव में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई करोगे बेटा, जिसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली हो गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई उसमें, ऐड हो गया इलेक्ट्रॉन इजिली हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होती चली जाएगी, ये एम बन जाएगा और इसमें एनर्जी रिलीज होगी, इधर आ गई तो एनर्जी रिलीज होगी, यहां एनर्जी रिलीज होगी, और
जिसमें एम नेगेटिव है उसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है, तो उल्टा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि डिफिकल्ट है, अनस्टेबल चीज बनेगी। तो एम नेगेटिव एक था, एक नेगेटिव और आ गया, टू नेगेटिव बन गया, तो उल्टा एनर्जी, ये वाली एनर्जी क्या हुई, रिलीज नहीं हुई बेटा, इसमें एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। तो मैं आपसे पूछूं, एम पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी या एम नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप यहां देखो, आप एम पॉजिटिव की, एम पॉजिटिव की ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसमें एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होती है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, तो जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब जहां एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली होता है वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, हाई मतलब एनर्जी मोर नेगेटिव होती है, एनर्जी रिलीज होगी, और जहां एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होता है वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होती है। तो कभी भी इसका मतलब नेगेटिव स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल स्पीसीज में करना है, वो डिफिकल्ट ऑलवेज एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा प्रोसेस होगा बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये आप पॉइंट याद रख सकते हो कि जिसमें भी नेगेटिव स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो आप ये कह सकते हो सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव स्पीसीज इज ऑलवेज, कैसा प्रोसेस होगा बेटा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव, न्यूट्रल नहीं है, नेगेटिव स्पीसीज ऑलवेज कैसा प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल लूं कि मान लेते हैं ऑक्सीजन ले लिया मैंने, ऑक्सीजन का न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लिया, ऑक्सीजन का न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लिया, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम ले लिया, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ऑक्सीजन में तो एनर्जी रिलीज होगी ना बेटा, ये एनर्जी ई आ गई, सपोज एक्स एनर्जी आ गई, ये एनर्जी रिलीज होगी, एक्स एनर्जी रिलीज हुई, रिलीज होना ही था, अगर एनर्जी रिलीज हुई तो कैसा प्रोसेस है बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक काम करो, आप आपने जो ओ नेगेटिव बनाया है उसमें फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, ओ नेगेटिव स्पीसीज में फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो आप, जैसे बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो अब क्या बन जाएगा, देखो ओ टू नेगेटिव, बट ये स्पीसीज कैसी है, देखो अब आप एनायनिक स्पीसीज है ये, तो यहां उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी वाई, तब ये एनर्जी दे दी, तो जो वाई वाली एनर्जी है ये कौन सी वाली एनर्जी आ गई, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब दूसरा प्रोसेस कैसा हो गया हमारा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया बेटा। तो पहला एक्सोथर्मिक और दूसरा एंडोथर्मिक, और प्रैक्टिकली पता चला है कि ये हाई अमाउंट है, ये हाई वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू लो वैल्यू है, मैथमेटिकली बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल बनाऊं, दोनों ऐड कर देता हूं, ये प्रोसेस बना लूं, ऐड कर लेता हूं कि ओ गैसियस और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूं एक साथ, टू इलेक्ट्रॉन, और बना देता हूं ओ टू नेगेटिव स्पीसीज, बताओ अब कैसा प्रोसेस रहेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी निकलेगी, सर देनी पड़ेगी, अब हमें देनी पड़ेगी बेटा, ये हाई वैल्यू है, सपोज ये 4 किलो जूल था या 200 किलो जूल था ये पर मोल, ये 200 था और यहां पर सपोज हमारा हो गया 350 हो गया, क्योंकि ये तो हाई वैल्यू है ना 350, तो निकलने वाली ज्यादा हुई या देने वाली ज्यादा हुई, तो
हमारे पास कौन सी एनर्जी ज्यादा आएगी, देने वाली ज्यादा तो कुछ एक्स्ट्रा होगी ना, बिकॉज एक्स से आपका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो एक्स से वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, एक्स से वाई का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, तो एक्स से जब वाई का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया तो ओवरऑल जो भी जेड होगा, जो भी एनर्जी आएगी जेड, ये आपको कौन सा प्रोसेस बनेगा टोटल ओवरऑल, एंडो थर्मिक प्रोसेस आ जाएगा, एंडो थर्मिक प्रोसेस कहेंगे। तो मतलब एक एक पॉइंट पे ध्यान देना आपने, एक बार इस चीज को देखो। हेलो, थोड़ा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो अब आप देखो, तो इसका मतलब ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, लेकिन अब नेगेटिव स्पीसीज बन जाएगी तो दूसरा क्लियर कट है कि दूसरा कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक, लेकिन वो प्रैक्टिकल से पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, वहां से पता कर पाएंगे कि ओवरऑल क्या प्रोसेस हो गया, तो ओवरऑल जो प्रोसेस हो गया वो एंडोथर्मिक हो गया। तो सिंपली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना है किसी न्यूट्रल एटम में तो बताओ कैसा प्रोसेस होगा, एक्सो होगा या एंडो होगा? एक्सोथर्मिक। सही आंसर नहीं आया बेटा। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मली बात कर रहा हूं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए किसी भी एलिमेंट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे न्यूट्रल एटम में तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। तभी मैंने बेटा स्टार्टिंग में ही कहा था कि चीज जो है तो बहुत सिंपल, लेकिन जल्दी से समझ नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं आती, ये मुझे पता नहीं लगता। इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो फटाफट समझ जाते हैं, लेकिन मेडिकल वाले सारा पढ़ने के बाद में लास्ट में फिर जीरो कर देते हैं। अब मैं आपका यहां से उठाता हूँ, देखो यहां से उठाता हूँ स्टार्ट जो मैंने लिखवाया आपको, फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल ले लेते हो आप, और हर साल मैं देखता हूं मेडिकल के बच्चे पता नहीं क्यों इसको इतना मुश्किल लेते हैं। अब मेरी लाइन पढ़ना जरा बेटा और फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। सब कुछ तो मैंने लिख के दे दिया था आपको। अब आप में से एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया एक्सोथर्मिक, एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया सर एंडोथर्मिक, मतलब तुक्काबंदी चल रही है। फिर क्या आंसर होगा पढ़ के बताओ। ये अगर किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या प्रोसेसेस होगा, एक्सो होगा एंडो होगा? बताओ बेटा क्या आंसर दोगे? सामने लिखा हुआ है, क्या आंसर दोगे? सो एंडोथर्मिक। अरे बेटा मैंने साफ साफ लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ केसेस में एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एक्सोथर्मिक, ये इन मोस्ट ऑफ केसेस आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर अगर ज्यादातर एलिमेंट में अगर किसी में करेंगे जैसे हैलोजन है ऑक्सीजन है तो मोस्ट ऑफ केसेस में सर एक्सोथर्मिक होता है, कुछ केसेस में एंडोथर्मिक होता है। अब क्या मैंने सिर्फ आपको बोला एंडोथर्मिक होगा या मैंने सिर्फ एक्सोथर्मिक बोला? मैंने तो ऐसा नहीं बोला ना, इतना सारा लिखवाया है मैंने,
एनसीईआरटी में एक लाइन दो लाइन लिखी हुई है, मैंने इतना सारा लिखवा दिया हर एक एंगल पे, फिर भी आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, पता नहीं क्या रीजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड मोस्टली, एनर्जी रिलीज्ड का मतलब होता है एक्सोथर्मिक, फिर लिख दिया मैंने और एब्जॉर्ब्ड रेयरली, कुछ केसेस में निकलती है ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। फिर इसी बात को मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा दोबारा, इसी गैस के एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने दोबारा लिखा कि इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन एडिंग प्रोसेस फर्स्ट में अगर हम लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन एडिंग प्रोसेस फर्स्ट में, देखो मैंने क्या लिखा, फिर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैंने बोला कि किसी में अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन एडिंग प्रोसेस जो होगा मोस्ट ऑफ केसेस, फिर अलग से लिखा मैंने एनर्जी रिलीजिंग मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में एक्सोथर्मिक, रेयरली एनर्जी ऑब्जर्विंग कुछ में एंडोथर्मिक, जैसे फिर मैंने लिखा कौन से मोस्ट ऑफ केसेस हैं, जैसे हेलोजन है, ऑक्सीजन एटसेट्रा है, तो उन केसेस में एनर्जी इलेक्ट्रॉन पहला ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, फिर नीचे मैंने लिखा, तो वो तो सारा पढ़ा पढ़ाया आपने गायब कर दिया ना इसका मतलब। और सम केसेस में जैसे नोबल गैसेस नाइट्रोजन और बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो हीट देनी पड़ेगी। तो अब बताओ मैं अगर ये पूछूं आपसे या एग्जामिनर आपसे पूछे कि अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एलिमेंट में तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? सर बोथ होंगे, दोनों दोनों एक्सोथर्मिक होगा, आंसर होगा बेटा कि मोस्ट ऑफ केसेस में एक्सोथर्मिक, और जो है बहुत रेयर केसेस, वो रेयर केसेस याद कर लो, मोस्ट अपने आप हो गए, तो रेयर केसेस कौन कौन से हैं बेटा जिसमें एंडोथर्मिक का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, जिसमें नोबल गैसेस नाइट्रोजन इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब ये एंडोथर्मिक है, बाकी सारे एक्सोथर्मिक है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मेरे पास कोई नेगेटिव स्पीसीज है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या एंडोथर्मिक इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला? सर एंडोथर्मिक, वो ऑलवेज एंडोथर्मिक, वो ऑलवेज एंडोथर्मिक, नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना ऑलवेज नेगेटिव आयन। अब क्लियर है बेटा ये वाला पॉइंट? यस। अब हम पीरियोडिक टेबल में इसका वेरिएशन करते हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। इसमें देखोगे बेटा जैसे आपका सेकंड पीरियड उठाते हैं, सेकंड पीरियड में क्या है, सबसे पहले लिथियम, फिर है बेरिलियम, फिर है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं तो इसमें बताओ मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि एंडोथर्मिक किसका होगा इसमें और एंडोथर्मिक किस किसका होगा इसके अंदर। तो एंडोथर्मिक देखोगे तो किस किसका आएगा बेटा, देखो एंडोथर्मिक क्या क्या बताए थे मैंने, नाइट्रोजन, नियोन, बेरिलियम, नियोन, नाइट्रोजन, बेरिलियम। इसलिए अब क्या होगा कि इनकी जो है आपने वैल्यू के हिसाब से याद करना है, तो नियोन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम आ जाएगा बेटा, नियोन का, नियोन यहां आ जाएगा, एंडोथर्मिक है देनी पड़ेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, निकलती है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एनर्जी देनी पड़ती है तो कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर आएगा इसके अंदर बेटा बेरिलियम का, फिर आएगा नाइट्रोजन का, उसका भी मैं रीजन भी साइड में कुछ बता दूंगा मैं आपको, और इवन बोरोन भी अच्छी बुक रेफर करें तो बोरोन भी लिथियम से कम आता है, यहां आता है। तो अगर आप इसमें ओवरऑल ऑर्डर करोगे तो ये जो तीन है, पहले वाले थ्री लिखे हैं मैंने, नियोन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, ये कैसे प्रोसेस हैं,
एंडोथर्मिक। इसका मतलब बाकी सारे इस सेकंड पीरियड में जितने भी हैं वो सारे कैसा प्रोसेस होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनका, एंडोथर्मिक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है, और बाकी सब में एक्सोथर्मिक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड पीरियड में आप देख रहे हो जनरली, अब इधर से इधर जा रहे हो तो इन जनरली आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी आपकी। देखो सबसे कम किसकी आएगी, ऑर्डर करेंगे तो अब ये ऑर्डर जो जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब एनर्जी जो हो रही है, एनर्जी निकलने वाली एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजिंग वो इंक्रीज होता जा रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजिंग इंक्रीज होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो बेस्ट ये है बेटा कि इसमें आप इसका ट्रेंड जो है डायरेक्ट याद कर लो कि सेकंड पीरियड है, तो आप बताओ मुझे सबसे कम किसकी होगी सेकंड पीरियड में। देखो तो सेकंड पीरियड में सबसे कम देखो किसका होगा, नियोन, नियोन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा इवन अप्रोक्सीमेट ये 99 के आसपास है, ये 66 के आसपास है, ये 31 के आसपास है, पर डेटा से मतलब नहीं है आपको। सबसे कम नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें, इसका एनायन बनाना डिफिकल्ट है, फिर बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर देखो क्या आएगा, देखो आप बेरिलियम तो हो गया ना, बी बोरोन, बोरोन उसके बाद देखो क्या आएगा, लिथियम, उसके बाद कार्बन, फिर जो रहते गए वो करते जाओ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो अपने पीरियड में बिल्कुल इरेगुलर ट्रेंड है, जनरली आप बोल सकते हो इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट विद सम एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन आपको याद करने, नियोन सबसे कम, फिर बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर बोरोन, फिर लिथियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो इन सेकेंड पीरियड, तो हम कह सकते हैं इन पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलोगे, जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस बट विद सम एक्सेप्शन। जनरल ट्रेंड बोलेगा तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, लेकिन एक्सेप्शन देखो कई रूल टूट के आए हैं, एक्सेप्शन कहां कौन कौन गया है, ज्यादातर देखो नियोन आगे आ गया है, बेरिलियम आ गया है, नाइट्रोजन आ गया है, ऐसे आ गए। दूसरा पॉइंट, एक्सेप्शन क्यों आए, जनरली क्या होता है कि जो आपके हाफ फील्ड या फुल फील्ड होते हैं, एक्सेप्शन रीजन ऑफ एक्सेप्शन क्यों आए जनरली, रीजन ऑफ एक्सेप्शन ये है बेटा कि जिनका आउटर मोस्ट हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल है उसमें वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टेबिलिटी होती है। तो रीजन जो क्यों आता है एक्सेप्शन, जैसे नियोन है अभी देखेंगे हम, बेरिलियम है, ये नाइट्रोजन है, तो हम लिखेंगे कि इफ आउटर मोस्ट, इफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड और फुल फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, देन दे आर स्टेबल या दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल, सो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट ईजी, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, नॉट ईजी। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट ईजी। जैसे देखो आप, जैसे एज एग्जाम्पल
लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? देखो आप, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी बताई थी अभी मैंने? नियोन। नियोन की इलेक्ट्रॉन, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियोन। अब नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो क्या आता है, 1s2, 2s2 और 2p6, सारे ही फुल फील्ड ऑर्बिटल हैं। देखो आउटर मोस्ट शेल ही फुल फील्ड है, तो एक्स्ट्रा स्टेबल ऑलरेडी है, वो इनर्ट है, एक्स्ट्रा स्टेबल आउटर मोस्ट शेल। तो जहां जहां आपको एक्सेप्शन मिलेगा ना, तो वहां ऐसा कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल देखो आपका, आपने बोला है कि पॉजिटिव एंथैल्पी किस किस की है, मतलब डिफिकल्टी किस किस में आ रही है इलेक्ट्रॉन ऐड करने में, नाइट्रोजन बेरिलियम में बोला है ना आपने, तो बेरिलियम देखो, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, 1s2, एटॉमिक नंबर 4 होता है ना, इसका 10 था, तो 1s2, 2s2, 4 आ गया, तो देखो आउटर मोस्ट शेल, तो एक्स्ट्रा स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल, इसमें क्या था, एक्स्ट्रा स्टेबल फुल फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, इसमें भी देखो एक्स्ट्रा स्टेबल फुल फिल्ड एस ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होना चाहते। ऐसे देखो बेरिलियम की बजाय फिर क्या एग्जांपल ले रहे हो आप, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वाला एग्जांपल, हाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में आपका एटॉमिक नंबर कितना है, 5, ये एटॉमिक नंबर 7 है, तो देन लेट ट्राई टू कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज द 1s2, 2s2 एंड 2p3, तो p3, लेट सी दैट p3, दिस इज द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड आ गया। तो जहां भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं तो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, एंड एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं तो इसमें डिफिकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन ऐड करना, दैट्स व्हाई उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता। अगर जबरदस्ती करना चाहोगे तो उल्टा एनर्जी निकलने की बजाय देनी पड़ेगी, सो दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी लो होती है। क्लियर? यस सर। अब देखो वन थिंग मोर, अगर मैं आपकी क्वेश्चनिंग ही बनाऊं तो आप देखो कि सेकेंड पीरियड में मुझे बताओ, इन जो भी पीरियड होता है, इन सेकेंड पीरियड देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोवेस्ट किसका आया और हाईएस्ट किसका आया, इन सेकेंड पीरियड, सिर्फ सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका आया था बेटा, नियोन, नियोन, और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका आया, फ्लोरीन, तो मतलब फ्लोरीन तो हैलोजन हो गई, तो किसी भी पीरियड में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजन है, क्योंकि हैलोजन अपना हैलाइड बड़ा इजीली बनाते हैं, हैलोजन में नेगेटिव स्पीसीज बड़ी इजीली बनती है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, और नियोन कौन सा है, देखो नियोन तो नोबल गैस है ना, तो नोबल गैस तो बनाना नहीं चाहेंगे, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोएस्ट होती है, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होना चाहता। क्लियर? बट इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, अगर ट्रेंड याद करना है तो ट्रेंड में बेटा किसी चक्कर में मत फंसना, ट्रेंड में जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो वैल्यू, वो जो सीक्वेंस है वही याद करना। जरा देखो सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या क्या आई, फिर दोबारा सबसे कम पूछा जाएगा तो किसका, नियोन, फिर देखो उसके बाद, फिर मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, फिर उसके बाद देखो क्या आया, बेरिलियम, बेरिलियम, फिर क्या आया देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, मतलब तीनों पॉजिटिव वाले आए हैं पहले। Yes, sir. नियोन जिसमें से फुल फील्ड है, बेरिलियम भी फुल फील्ड है लेकिन एस फुल फील्ड है उसमें, और नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, पहले पॉजिटिव वाले, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गया। फिर ये एक्सेप्शन जो मैंने बोरोन वाला लिखा है, ये बहुत जो है जेडी ली है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो डेटाबेस है उसमें दिया हुआ है, बाकी बुक्स के अंदर नहीं दिया हुआ, बाकी में बोरोन को लिथियम से, उसने बिल्कुल डेटा करके दिया हुआ है, उसमें बोरोन को लिथियम से कम बता रखा है उसने, क्योंकि वैल्यू बेस्ड है तो उसमें कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखा रखी है लिथियम से, फिर बोरोन, फिर लिथियम, तो ये किसी जगह कंसीडर हो भी सकता है, किसी जगह मत भी करना, जो ऑप्शन से डिसाइड कर लेना आप, लेकिन एक्चुअल चीज ये है बोरोन वाला, बोरोन लिथियम, फिर कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फिर कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन यूज करोगे।
ऐसे ही देखो थर्ड पीरियड में चलते हैं आप, सेकंड पीरियड को अलग याद करो, आपको दो ही पीरियड करने हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबकी याद नहीं करनी आपको, ओनली टू पीरियड, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। देन देखो फिर थर्ड पीरियड में चलते हैं अपने, थर्ड पीरियड कौन सा बेटा, देखो पहले पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट लिख लो कौन कौन से हैं, ये हमारा सेकंड हो गया, थर्ड पीरियड। अब बेटा थर्ड पीरियड में देखो कौन कौन सा एलिमेंट है आपका, सबसे पहला एलिमेंट थर्ड पीरियड देखते हैं, बोलो बेटा कौन कौन से आएंगे एलिमेंट जरा बताओ थर्ड में। सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ट ए मिनट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसमें देखो एक्सेप्शन कौन जाएगा फिर, सबसे कम नीचे कौन जाएगा सोचो जरा। सर आर्गन। बिल्कुल वेरी गुड बेटा, आर्गन सबसे नीचे चला गया, आर्गन के बाद देखो फिर आप ये आर्गन आपका आ गया यहाँ, आर्गन यहाँ है, उसके बाद बेटा मैग्नीशियम, क्योंकि इसका फुल फील्ड हो गया ना मैग्नीशियम का, बट यहां पर कुछ साइज भी बड़े हो जाते हैं इसलिए सारे एक जैसे फैक्टर सब पे नहीं लगते, तो यहां पर दो ही ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, बाकी रेगुलर है, बाकी इधर से इधर जाओगे तो जनरली जैसा इंक्रीज होना है वैसे इंक्रीज होगा, बाकी रेगुलर है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रेगुलरली इंक्रीज होगा। तो आर्गन, हाँ एक फॉस्फोरस, बट फॉस्फोरस इतना नीचे नहीं जाता जितना वहां नाइट्रोजन चला गया था, नाइट्रोजन तो पॉजिटिव हो गया था, ये सिर्फ सिलिकॉन से पीछे जाता है, एक प्लेस पीछे आएगा ये। तो इस टाइप से आप टोटल ऑर्डर याद करोगे। तो अब देखो बेटा टोटल ऑर्डर याद करोगे तो कितना आएगा, तो देख रहे हो काफी कुछ याद करने वाली चीजें हैं इस पॉइंट में। तो ऑर्डर बना लो आप, तो सेकंड और थर्ड पीरियड दो ही याद करने आपने, बना लो इसमें। तो सबसे कम आर्गन, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और ये दोनों जो हैं वो एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक देखो टोटल कितने हो गए जरा देखो आप, बाकी एक्सोथर्मिक, एक तो नोबल गैसेस हो गई, एक मैंने ऊपर वाले में बताया था नोबल गैसेस के साथ साथ नाइट्रोजन और बेरिलियम, एक और आ जाएगा आपका मैग्नीशियम। तो आर्गन, मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर क्या आएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आएगा, फिर आपका आ जाएगा सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, और अब क्या आएगा कि इधर से इधर जा रहे हो आप, तो थर्ड पीरियड में सबसे कम अमोंग थर्ड पीरियड आर्गन जो होगा वो मिनिमम थर्ड पीरियड में देखें तो, वैसे तो सबसे कम नियोन की है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और क्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और बेटा इवन हाईएस्ट क्या है, ये तो वैसे भी हाईएस्ट है इवन इन ऑल एलिमेंट हाईएस्ट। अब क्या होता है
कि अगर हम जनरली बात करते हैं तो जनरली एक्सेप्शन छोड़ दें, जो हमने एक्सेप्शन लिखे हैं बेटा, तो जनरली अगर बात करोगे तो आप ये लिख सकते हो ना, अगर पीरियोडिक टेबल में इधर इधर जाते हो और इधर से इधर जाते हो, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो अगर बहुत छोटा साइज होगा तब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, बड़ा साइज होगा तब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, क्योंकि छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जगह कम होती है तो इलेक्ट्रॉन आने में डिफिकल्टी होती है, बड़ा साइज होता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, आप इसको ऐसे लिखो, पीरियड को छोड़ो, आप ऐसे लिखो इसको कि एक ट्रेंड लिख देता हूं, जनरली क्या बोलोगे आप, ट्रेंड बना लेते हैं उसी में कर लेंगे, जनरली अगर इधर से इधर मूव करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, सम एक्सेप्शन जो होगा, और जनरली ऊपर से नीचे आएंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, जैसे जो एक्सेप्शन है वो भी लिख देंगे। जैसे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लिखते हैं तो अपने क्या क्या आया देखो, यहां आ गया आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्गन। आपने कैसे याद करना है, इनको आगे ले जाना है, आर्गन सबसे आगे ले जाना है आपने, फिर किसको ले जाना है, बेरिलियम को, इससे क्या याद रहेगा आपको, फिर नाइट्रोजन को ले जाना इधर, और ये मैंने बताया था बोरोन को जाना यहां। थर्ड नंबर में किया था आपने, थर्ड नंबर देखो क्या किया आपने, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नियोन। फिर आपने क्या करना है, यहां जो एक्सेप्शन आया उसको लेना है बेटा, नियोन को ले जाना है बिल्कुल ऐसे इधर, और मैग्नीशियम को ले जाना है यहां, और फास्फोरस को एक पीछे ले जाना है। अब सपोज जो आपको जरूरत और आएगी वो ये आएगी, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे जाने में जनरल ट्रेंड क्या होगा, डिक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो क्या होगी, क्लोरीन की ब्रोमीन से ज्यादा, ब्रोमीन की आयोडीन से ज्यादा, और फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, बट इसमें क्या होता है साइज छोटा होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये यहां फिर आपको यहां मिलेगी फ्लोरीन। तो मैं क्या लिखूंगा, ये जो अभी बात बताने जा रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, तभी तो क्लोरीन हाईएस्ट हुआ था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, ऐसा क्यों हुआ, इट इज ड्यू टू डिफिकल्टी इन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्मॉल फ्लोरीन एटम विच हैज ऑलरेडी मेनी इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके पास फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये रीजन होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की कम होती है, किससे कम होती है, क्लोरीन की, क्लोरीन से, तो आप देखो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे कम हेलोजन में, तो इसका मतलब बहुत छोटा साइज भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कम करता है, बहुत बड़ा साइज भी कम करता है, बड़ा होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा, तो आप देखो आपका अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हेलोजन में देखना है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजिंग, बहुत बार पूछा जाता बेटा, पिछले साल यही क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हेलोजन, तो क्या आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो सबसे कम किसका, आयोडीन, उससे ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा, अब याद रखना ही
आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ब्रोमीन से ज्यादा फ्लोरीन और फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन। वैसे ही क्लोरीन आपने अभी याद किया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट पूरी पीरियोडिक टेबल में किसकी है? क्लोरीन। क्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो क्लोरीन की बताई थी मैंने, और लोएस्ट बताई थी नियोन की। तो क्लोरीन वाला पॉइंट ध्यान रखना कि फ्लोरीन से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। फ्लोरीन छोटे बहुत छोटा साइज है और उसमें इलेक्ट्रॉन 7 ऑलरेडी है, तो इलेक्ट्रॉन करना डिफिकल्ट होता है। इसी टाइप से ऑक्सीजन वाली फैमिली में ही ऐसा एक एक्सेप्शन मिलता है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, और इसमें ऊपर से नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, लेकिन ऑक्सीजन तो इतना कम हो जाता है कि अपने पूरे के अंदर सबसे नीचे आता है। ऑक्सीजन वाली फैमिली में सबसे नीचे आएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, जैसे ये पूछा था आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हैलोजन, अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ चालकोजन, तो बताओ बेटा क्या ऑर्डर लिखोगे आप? सबसे ज्यादा किसकी आ रही है? सबसे कम देखो ऑक्सीजन नीचे चला गया, फिर टेल्यूरियम, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर। तो चालकोजन में हाईएस्ट किसकी आ रही है? देखो तो सल्फर। और मिनिमम किसकी आ रही है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यही आपके सारे एग्जाम के क्वेश्चन होंगे जितने मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं। तो एक बार फिर से आप रिपीट कर देंगे, आप पूरी पीरियोडिक टेबल में आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट किसकी है और लोएस्ट किसकी है? हाईएस्ट क्लोरीन, लोएस्ट नियोन। बिल्कुल ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा जो आपका सेकंड पीरियड है उसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है सेकंड पीरियड में? सर नियोन। सर हाईएस्ट फ्लोरीन की है। फ्लोरीन। हाँ, हाईएस्ट बेटा फ्लोरीन की होगी, हैलोजन की होगी अपने उसके अंदर हाईएस्ट। ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हैलोजन का ऑर्डर क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो सबसे कम आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे कम, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन। और अगर मैं पूछूं आपसे चालकोजन में ऑर्डर क्या होगा, मिनिमम किसकी होगी और मैक्सिमम किसकी होगी? मिनिमम मिनिमम हाईएस्ट सल्फर की होगी, हाईएस्ट सल्फर की होगी। अब क्या है कि अगर आपको ये ट्रेंड पता है बेटा, इतना सारा काम आपने थोड़ी सी मेहनत करके कर लिया, फिर कुछ आपको और नहीं सोचना, आपके क्वेश्चन अपने आप ही सही जाने हैं। जैसे कैसे अब प्रॉब्लम आती है कि एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे आएंगे, सपोज ऐसे पूछा जाएगा अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने दे दिया आपको 1s2, 2s2, 2p6, दूसरा मैंने आपको दे दिया 1s2, 2s2, 2p3, तीसरा मैंने आपको दे दिया 1s2, 2s2, 2p4, 5, एक मैंने दे दिया आपको बेटा 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2, 3p5। आपको ऐसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे दिया और मैंने इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ लिया बेटा आपसे। तो मैंने आपसे इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा, तो आपने क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। कल बताया था ना एक तरीका, क्या करोगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाँ, पहले रिकॉग्नाइज करोगे बेटा एलिमेंट कौन सा है, सॉल्यूशन आपका तब अपने आप आ जाएगा। और ऊपर वाला ट्रेंड आपको याद होगा जैसे कल आईपी में बताया था। तो देखो ये कौन से वाला एलिमेंट है, देखो 1s2, 2s2, 2p6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 और 2 4 और 6 10, तो इसका मतलब कौन सा हो गया ये? नियॉन। तो आपका आंसर देखो बड़े कितने इजीली निकलेंगे अब आंसर, अगर आप इस तरीके से सोल्व करोगे
मतलब इंस्टेड ऑफ टू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऐसा नहीं है, कुछ टीचर ऐसे रिकमेंड भी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं कहता हूँ एलिमेंट रिकग्नाइज करो आप, 2, 2, 4 और 6, 10, तो कौन सा हो गया नियोन। दूसरे वाला देखो कौन सा है बेटा, 1s2 2s2 2p3, ये कौन सा हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। इधर आ जाओ 2, 2, 4 और 5, 9 कौन सा हो गया फ्लोरीन। और फोर्थ वाला आ जाओ, ये देखो कौन सा हो गया 2, 2, 4, 10, 12 और 5, 17 कौन सा हो गया क्लोरीन, क्लोरीन। अब देखो आपको अगर ये सिंबल पता लगते ही आपको डायरेक्ट आइडिया हो गया, आपको पता है कि अब इसमें हाईएस्ट किसकी है और लोएस्ट किसकी है, क्लियर कट पता लग गया। तो हाईएस्ट किसका होता है लोएस्ट किसका है इनमें से, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको याद होनी चाहिए, हाईएस्ट पता होनी चाहिए, नियोन की लोएस्ट, यस सर नियोन का आ गया आपका लोएस्ट। हाँ बेटा, तो देखो सबसे मिनिमम किसका आ गया आपका नियोन, हाईएस्ट किसका आ गया क्लोरीन। अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में तो आपको पता है ना, क्योंकि नाइट्रोजन तो उल्टा एंडोथर्मिक था और फ्लोरीन एक्सोथर्मिक था, तो जो एक्सोथर्मिक वाला ज्यादा होगा, तो एन एफ, ये दोनों वैसे भी एंडो थे, ये दोनों एक्सो थे और क्लोरीन हाईएस्ट होता है, तो ये ऑर्डर आ गया, ये ऑर्डर आ गया, तो नियोन वाला फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद देखो नाइट्रोजन वाला सेकेंड, उसके बाद फ्लोरीन वाला थर्ड, उसके बाद क्लोरीन वाला जो सीक्वेंस दिया हुआ है वही आ जाएगा। तो आपको अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर वाला ध्यान है कि ऑर्डर ये आना है, क्योंकि उसके डेटाबेस है वो, तो आपको जो भी दे दिया जाए आप उससे उसको बना लोगे, कर लोगे बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला पॉइंट। चले आगे, yes, sir. अब इससे मिलता जुलता एक टर्मिनोलॉजी और आता है, एक चीज और, एक चीज और कर, नॉलेज क्लाउड में सपोज ये एम है कोई स्पीसीज, एम को मैंने कुछ एनर्जी दी और इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मतलब कैटायन बना लिया,
ये केटायन बन गया और ये इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये पिछली क्लास में पढ़ाया था बेटा मैंने, अगर किसी को एनर्जी दे करके केटायन बनाते हैं तो ये एनर्जी क्या होती है, आईपी वैल्यू, आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, ये एम का आयनाइजेशन, ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल, ये आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल आ गया। अब सपोज इसी रिएक्शन को बिल्कुल उल्टा लिख दो बेटा आप, एम पॉजिटिव प्लस वन इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये बन जाएगा आपका एम प्लस ई, ये बनेगा एम पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एम प्लस ई बन गया। तो अब देखो अब ये एनर्जी रिलीज हो गई, तो इसका मतलब ये वाली एनर्जी जो रिलीज हुई है ये क्या चीज है, आईपी तो नहीं है ना, ये क्या चीज हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका हुआ, ये क्योंकि एम पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और दोनों वैल्यू सेम है, देखो बेटा ये भी ई है बस ये एनर्जी यहां एब्जॉर्ब हुई थी या रिलीज हुई थी, एम पॉजिटिव, इसका मतलब ये एक ही स्पीसीज सेम स्पीसीज का आईपी वैल्यू उसके कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होता है, मतलब एम की ही आईपी वैल्यू और एम का ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम नहीं होंगे, एम का आईपी वैल्यू उसके कैटायन की किस चीज के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो सो आईपी वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एम, नहीं बेटा अब क्या लिखोगे, एम पॉजिटिव आयन, जो एम पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वही एम की आईपी वैल्यू होगी। तो ऐसे करके मेंटल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन बना सकता है वो आपसे, तो एक इक्वेशन है एनर्जी का वैल्यू तो वही सेम आएगा तो उसी टाइप से आप उसको रखेंगे। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं सोडियम का आईपी वैल्यू, तो उसकी किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होगा, वो एनए का आईपी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनए पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होगा, एनए पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर। तो आपकी देखो थ्री प्रॉपर्टी होगी बेटा, साइज हो गया, आईपी वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, एक प्रॉपर्टी और होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, पहले आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ई एन वैल्यू। इसको रिप्रेजेंट काई से भी करते हैं ऐसे, ये सिंबल होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है ये ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इसको पहले डिफाइन करते हैं अपने, इट इज द रिलेटिव एंड यूनिटलेस इट इज रिलेटिव एंड यूनिटलेस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। इट इज रिलेटिव एंड यूनिटलेस प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, क्या है प्रॉपर्टी, इट इज द पावर ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, आगे चल के जो बॉन्ड होते हैं वो टाइप पढ़ेंगे उसमें, तो इट इज द पावर ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ। ये किसी अभी तक देखो आप अकेले एलिमेंट के लिए कह रहे थे कि भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या नाइट्रोजन का आईपी वैल्यू, अब ऐसा नहीं है, अब दो एलिमेंट के बीच हम पावर देखेंगे कि अगर बीच में इलेक्ट्रॉन है किसी के, तो बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसी के बीच में, सपोज ए और बी है,
ए और बी के बीच दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बना रहे हैं शेयरिंग में। अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहेंगे, ए की तरफ अट्रैक्ट होंगे या बी की तरफ? सपोज बी जो है उसके पास मोर पावर है, मोर पावर टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो होंगे ए के कंपैरिजन में बी की तरफ ज्यादा खिसके रहेंगे। इससे क्या होगा कि बी पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो पावर जिसके पास ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, बॉन्ड है दो के बीच में इसलिए रिलेटिव प्रॉपर्टी है, और पावर जो होता है उसका यूनिट नहीं होता, एक दूसरे के कंपैरिजन में बस पावर देखा जाता है, तो ये यूनिटलेस प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो ज्यादा करेगा उसको हम बोलेंगे, जैसे बी अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनों को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके नेगेटिव चार्ज ला रहा है, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बी है। और यहां पर ए जो हो जाएगा वो बी के कंपैरिजन में हम बोल देंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पावर होती है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक पावर है। ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया है, लेकिन आपको स्केल जो पढ़ना है वो पोलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़नी है। तो इसका जो पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, पोलिंग के अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है, इसलिए एक्स पी पोलिंग लिख दो आप। ये जो बेस्ड है, आगे चल के एक चैप्टर आएगा उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन डाटा पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन ये पॉइंट ध्यान रखना है आपने कि पोलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल किस पर बेस्ड है, तो आप बोलोगे बॉन्ड डिसोसिएशन डेटा पर बेस्ड है। उसने कुछ बॉन्ड बना करके और अपना स्टडी करके उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग इन जनरल ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, अगर पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होंगी। अगर आप इन जनरल ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप ग्रुप में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होंगी इन जनरल, जो एक्सेप्शन बनेंगे वो बनेंगे इन जनरल, ये भी वही है। तो देखो आईपी वैल्यू भी लेफ्ट टू राइट इन जनरल बढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती थी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे आपके कुछ इंपोर्टेंट जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू है वो हम कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है, इनकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बनेगी नहीं क्योंकि किसी के साथ बॉन्ड बनाते नहीं नोबल गैसेस। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 2.1 इलेक्ट्रोलिंग वाली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये याद करना, इनका काफी हेल्प मिल सकता है आपको आगे चल के। लिथियम 1 से याद करो, सपोज 1.5 का डिफरेंस डाल दो, 1.5 2.5 3 3.5, फ्लोरीन का 4। फिर आप फ्लोरीन क्लोरीन वाली जो है आपके पास वो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फास्फोरस, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो फ्लोरीन का 4 क्लोरीन का 3, इसका थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हो आप, ये भी 3 है, ये क्लोरीन का भी अप्रोक्सीमेट 3 है, तो 3.1 के आसपास 3 अप्रोक्स ले रहा हूं मैं, इसलिए ब्रोमीन 2.8 आयोडीन 2.5, ये 3.5 है, ये सल्फर का 2.5, हाइड्रोजन और कहा था 2.1, तो मे भी कुछ के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू जो हो सकते हैं वो सेम आ सकते हैं। तो जैसे देखो आपको सेम जो याद करने हैं वो क्या याद करोगे आप, देखो जैसे हिंट, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम मतलब एचपी हाइड्रोजन एंड फास्फोरस, हाइड्रोजन और फास्फोरस दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करो, देखो याद रखना एचपी में
तो हाइड्रोजन का भी 2.1 और फास्फोरस का भी 2.1। ऐसे ही सर्किल सब इंस्पेक्टर सीएसआई, सर्किल सब इंस्पेक्टर सीएसआई, तो सीएसआई में देखो इन सब का याद करोगे तो देखो कार्बन का 2.5, सल्फर का 2.5, आयोडीन का 2.5, तो ऐसे कुछ डाटा सेम भी हो सकते हैं, बट इन जनरल आपको याद करना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपका जनरल लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। तो अब एक बात बताओ, अब देखो इस पूरी पीरियोडिक टेबल, अब याद करने वाले पॉइंट वही याद है आपसे, यही पूछा जाएगा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का एलिमेंट कौन सा आता है, एटम हाईएस्ट मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट देखो क्या है, एटम क्या है सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का कितना है 4, पॉलिंग के अकॉर्डिंग 4 है, मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। सेकंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, सेकंड मोस्ट, डेटा देख के बताना बेटा आंसर, सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट किसका है देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट ऑक्सीजन। अच्छा अब ये क्वेश्चन जो है काफी पूछा जाता है आपसे, ये हेलोजन वाला अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू अभी मैं थोड़ी देर पहले करवाया था, अब मैं पूछ रहा हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ हैलोजन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ हैलोजन। देखो बेटा वैसे तो आपको अगर वैल्यू एक दो बार याद करोगे देखो याद हो ही जाएगी प्लस टू तक चलते चलते, तो सबसे ज्यादा देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन, फिर नीचे रेगुलर ट्रेंड है कोई एक्सेप्शन नहीं है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नीचे चलते जा रहे हो आप, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू पूछेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू क्या दोगे सबसे कम आयोडीन, उससे ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन, जनरल ट्रेंड है बिल्कुल फ्लोरीन, तो जो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू है वही इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर का भी है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछ ले या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू पूछ ले, ऑक्सीडाइजिंग नेचर वैसे तो अलग चैप्टर में आएगा लेकिन यह क्वेश्चन फंस जाते हैं कई बार, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछेगा तब भी हम कहेंगे फ्लोरीन सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, उसमें भी आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन आएगा, तो आपसे ये चार क्वेश्चन मिला के पूछता है वो, जब जब उसने इस क्वेश्चन को पूछा है हैलोजन के लिए फोर हैलोजन, तो फोर पॉइंट पूछता है फोर हैलोजन, इनमें कंपैरिजन पूछता है, एक जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजन की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, एक पढ़ा जो अभी है, मैंने अभी बताया आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक जो मैंने अभी ऊपर लिखा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, ऑक्सीडाइजिंग पावर का, एक बेटा पूछता है फोर्थ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब अगर हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक करें तो कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा और कौन सा किसमें एनर्जी कम लगेगी या एनर्जी ज्यादा होगी, जैसे देखो ऑर्डर निकालो आप, सपोज पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ बेटा अभी अभी ऑर्डर किया था क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आया था सबसे कम किसकी होगी, नहीं नहीं हैलोजन में बेटा, हैलोजन की बात कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चनिंग हैलोजन की बात कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन हैलोजन नहीं है बेटा, हम हैलोजन की बात कर रहे हैं मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात कर रहे हैं सिर्फ, जो क्वेश्चन है ये डिस्कस कर रहे हैं हैलोजन के लिए, हैलोजन मतलब क्लोरीन आयोडीन सबसे कम था आयोडीन,
आयोडीन से ज्यादा किसका था देखो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर किसका था फ्लोरीन हाँ पहले क्या आया था फ्लोरीन और सबसे बढ़िया था क्लोरीन है ना अब यही क्वेश्चन अगर वो कह दे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए बताओ इफ ही आस्किंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू सेम ही है नो सेम नहीं है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का आयोडीन सबसे कम फिर ब्रोमीन फिर क्लोरीन क्योंकि आपसे अगर वो पूछेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी हाईएस्ट है तो क्या आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ लिया तो क्या आंसर आएगा क्लोरीन और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछ लिया तो क्या आंसर आएगा क्लोरीन और अगर वो कह दे ऑक्सीडाइजिंग पावर वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जैसा देना है आपने ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर एग्जामिनर पूछेगा आपसे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो आपने देना है वो आपने सेम ऐसा ही देना आयोडीन क्योंकि ये दोनों तो एक जैसे हैं ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन एक मैंने और दिया आपको वो दिया था मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहां इस चैप्टर में पूछ लेगा वैसे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है लेकिन यहां पूछ लेता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर हम बात करें जनरली आप देखोगे कि फ्लोरीन फ्लोरीन छोटे एटम है पास में होंगे और क्लोरीन क्लोरीन थोड़ा बड़ा हो जाएगा ब्रोमीन ब्रोमीन और बड़ा हो जाएगा बॉन्ड मतलब दूर हो जाएंगे आयोडीन आयोडीन और बड़ा हो जाएगा तो जनरली ऐसा होता है कि जितना बॉन्ड लॉन्ग होता है ना उतना वीक होता है तो इन सब में कौन सा बॉन्ड वीक दिखाई दे रहा है हमें फ्लोरीन आयोडीन आयोडीन वाला इसमें सबसे क्योंकि लॉन्ग बॉन्ड है जो हमारा लॉन्ग बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा जल्दी टूट जाएगा तो इस हिसाब से फ्लोरीन सबसे कम होना चाहिए था बट फ्लोरीन में एक चक्कर और है देखो अभी हमने पढ़ा था कि एक छोटे से फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7-7 है तो ये फ्लोरीन जो होता है इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है ये इसको अनस्टेबल कर देता है अनस्टेबल बॉन्ड छोटा है स्टेबल होना चाहिए था बट ये अनस्टेबल है अनस्टेबल बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से हो जाएगा तो अब क्या होगा आपका कि ये इतना हो जाता है कि ये जहां आना चाहिए उससे एक्सेप्शनली यहां आ जाता है तो यहां आ जाता है तो अब देखो आप सबसे वीक बॉन्ड किसका होगा आयोडीन उसके जस्ट बाद कौन आ जाएगा देखो फिर अब फ्लोरीन फ्लोरीन उसके जस्ट बाद आ जाएगा फ्लोरीन फिर बाकी वही है और ये आ जाएगा क्लोरीन मतलब ये दो पीछे आ गया अपनी जगह से यहां जगह होनी चाहिए थी यहां से यहां आ गया ये और एक ऊपर ऊपर वाले में एक पीछे चला गया था तो आयोडीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर क्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन डेटा में ये क्वेश्चन काफी आपसे पूछा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन डेटा के अंदर तो आपकी फोर प्रॉपर्टी है हेलोजन काफी इंपॉर्टेंट है हेलोजन वाला पॉइंट लास्ट ईयर यही क्वेश्चन आया हुआ है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और कई सालों में अलग अलग घुमा घुमा के पूछता रहता है क्लियर चले आगे यहाँ तक किसी को डाउट हो तो डिस्कस कर सकता नहीं तो मैं आगे चलूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला पॉइंट हम कर रहे हैं अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ये पोलिंग स्केल है बेटा ये बॉन्ड डिसोसिएशन डाटा पे था तो एक जो है नॉलेज क्लाउड के लिख लो एक मुलिकेन है उसने भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्केल दिया है तो उसको हम बोलते हैं मुलिकेन स्केल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को एक्स से लिखते हो लेकिन एम लगा देते हैं पोलिंग होता है तो पी लगा देते हैं और ये किस पर बेस्ड है बेस्ड ऑन जो आपने पहली दो प्रॉपर्टी पढ़ी है आईपी वैल्यू मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू पर बेस्ड है इसके अकॉर्डिंग किसी का अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालना चाहते हैं मुलिकेन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो इसका एवरेज ले लो उस एलिमेंट की आईपी वैल्यू ले लो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख लो और डिवाइडेड बाई टू करो
बट ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, अगर न्यूमेरिकल करो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब है वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोलिंग और मुलिकेन दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से कैलकुलेशंस की हैं बॉन्ड की और उनसे इलेक्ट्रॉन को खींचने के पावर की। तो एक आपका पोलिंग है, पोलिंग आपके सिलेबस में पोलिंग है, मुलिकेन थोड़ा बहुत आपने याद करना है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों में जो रिलेशन है रिलेशन बिटवीन पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मुलिकेन वो ये है बेटा एक्स एम इज इक्वल टू एक्स पी अपॉन 2.8। मुलिकेन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऐसे रिलेट है। अगर ऐसे रिलेट है तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो पोलिंग की मुलिकेन से 2/8 है। तो अब देखो पोलिंग की निकालेंगे तो क्या आएगी, देखो मुलिकेन की रख दो आईपी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइडेड बाई 2 × 2.8। तो ये कितना हो जाएगा हमारा आईपी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइडेड बाई 5.6। तो देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है। तो एक पहली बात है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है एटम की। कैसी प्रॉपर्टी है, रिलेटिव। और रिलेटिव जब प्रॉपर्टी होती है तो पावर्स होती हैं तो यूनिटलेस है, तो यहां यूनिट नहीं आएगा आपका, ये यूनिटलेस प्रॉपर्टी होगी पोलिंग के अकॉर्डिंग। तो पोलिंग के अकॉर्डिंग फिर आपने उसमें याद करनी है कि भाई क्या क्या डेटा आ रहे हैं। तो आप जनरली याद कर सकते हो कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी बताई बेटा मैंने, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नोट एफिनिटी फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की, और वो भी डेटा याद कर लो 4 होती है। और सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीजन, सेकेंड हाईएस्ट आपने ऑक्सीजन का करना है। और फिर आपने कहा है कि भाई आप ये याद करो कि भाई जो पोलिंग की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो किस पर बेस्ड है, डिसोसिएशन। तो पोलिंग की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस पर बेस्ड करोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन डाटा पर बेस्ड करोगे। हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाटा पर बेस्ड है। फिर एक दूसरा साइंटिस्ट है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस पर बेस्ड है सर, आईपी वैल्यू एंड इलेक्ट्रॉन, जो पहली दोनों प्रॉपर्टी की थी उसने आईपी से रिलेट करके इसको कैलकुलेट किया था, आईपी वैल्यू एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दोनों का भी आपस में रिलेशन दे सकते हो बेटा आप, इन दोनों का भी। बट इसमें एक इट शुड बी कीप्ड इन माइंड कि आईपी वैल्यू एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू मस्ट बी इन कौन से यूनिट में, मस्ट बी इन नॉट जूल। किस वैल्यू में रखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे। फिर दोनों को रिलेट करोगे तो पोलिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इक्वल टू मुलिकेन को 2.8 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? यस सर। तो ये बेटा कल आपने याद, देखो इस चैप्टर में कोई ज्यादा चीजें जो है वो याद करने वाली हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो आपको वो सारी उसमें करनी है कि क्वेश्चन बन जाते हैं उसके अंदर। कल हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे कि भी आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से क्या क्या जो है चीजें निकाल सकते हो, क्या क्या एप्लीकेशन है। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्लास एप्लीकेशन, और छोटे मोटी कोई दो चार चीजें हो रहे हैं इस चैप्टर की तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक्स सर।